नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दोस्त के घर पहली मुलाकात, फिर ढाई साल बाद लव मैरिज। लेखपाल बनी झांसी की ऋचा की कहानी, जिसने कारपेंटर पति को ही छोड़ दिया। झांसी की रहने वाली ऋचा सोनी ने लेखपाल की नौकरी मिलते ही अपने पति को छोड़ दिया। ऋचा के पति नीरज ने बताया कि उसने मजदूरी कर बड़ी मेहनत से अपनी पत्नी की तैयारी कराई थी, लेकिन नौकरी मिलते ही वो मुझे छोड़कर चली गई। उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली ऋचा सोनी इस समय चर्चा में बनी हुई है। दरअसल नीरज विश्वकर्मा नाम के एक युवक ने दावा किया है कि ऋचा सोनी और उसकी करीब ढाई साल पहले लव मैरिज हुई थी और जब उसे लेखपाल की सरकारी नौकरी मिल गई तो वो छोड़कर चली गई। युवक ने बताया कि उसकी पहली मुलाकात करीब पाँच साल पहले उसके दोस्त के घर पर हुई थी। बेटी का हुआ, छोटी वाली का, ऋचा सोनी का, लेखपाल में, और अभी ज्वाइनिंग कल दे दी गई है अधिकारियों के द्वारा, और इससे बहुत खुशी की बात है कि ऐसे गरीब लोगों के बच्चों को आगे ला कर के सरकार और कंधे से कंधा मिला कर के उनके साथ चलना चाह रही है, और हर प्रकार से ऐसे दबे कुचले लोगों के जो हैं उनके उत्थान के लिए सरकार कार्य कर रही है। आपके घर में ये पहली सरकारी नौकरी है? हाँ, जी पहली सरकारी नौकरी, यहाँ तक कि हमारे खानदान में पहली नौकरी है। अच्छा। तो ये आपके कितने बच्चे हैं? हमारे तीन बच्चे हैं और एक बड़ा बेटा है, उसके बाद दो बेटी हैं। तो पहली बेटी की शादी हो गई और ये अभी जिसकी जॉब लगी इसकी अभी शादी नहीं की। अच्छा, पहले प्रयास में पास आउट हो गई? हाँ, पहले ही प्रयास। पति का नाम ऋचा सोनी विश्वकर्मा, जो कि कल लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है, जो कि ज्वाइनिंग लेटर लेके, और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद कह रहे हैं कि मैं कुछ शादी नहीं हुई और हमें छोड़ना, टोटल छोड़ दिया हमने, हमें बिल्कुल मुकर गए कि हाँ हमने इनके लिए हर एक चीज़ की। ये बताओ, हमने कब लव किया शादी का? आज से पाँच साढ़े पाँच साल करीब हो गए हैं। पहले हमने दोस्ती की थी, फिर प्यार किया, फिर हम लोगों ने मर्जी से शादी की हम लोगों ने, और शायद हमसे 6 फरवरी 2022 में। फिर उसके बाद हमने इनके पहले से पढ़ाते आ रहे थे, प्यार हुआ तभी से हम पढ़ाते आ रहे हैं, और शादी के बाद ही पढ़ाया, और बाकायदा एडजस्ट घर में रहती थी अच्छी तरह से। जब इनका ज्वाइनिंग लेटर आया और नहीं सिलेक्शन हुआ इनका लेखपाल में, तो तभी से इनके तेवर बदल गए, और तेवर बदलने के बाद 18 जनवरी की बात है, तो 18 जनवरी को जी हमारे घर छोड़ के चली गई माँ बाप के कहने पर कि आज तुम लेखपाल बन गए, वो कारपेंटर है, तुम्हें क्या उसमें औकात है, अपना अधिकारी मिल जाएगा कोई, तो इसलिए मैं छोड़ के चली गई वो। अच्छा, तुमने उसको क्या कार्रवाई की? अब हमने अभी कार्रवाई की थी, हमने डीएम साहब के पास एक लेटर दिया था पहले हमने, और मैं कोतवाली में भी लेटर दिया था, और हर जगह हम भटक रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुम जब उसको प्यार हुआ तुम्हारा, तो उसमें कौन सी क्लास थी? जब वो बारहवीं के पास थी। उसके बाद तुम पढ़ा रहे? हाँ, हर चीज सपोर्ट किया, हर चीज जो करना चाहिए एक प्यार को, एक दोस्त को, हमने हर एक तरीका से उसका मदद की, हमने हर तरीके से मदद की। तुम्हारे इस घर में रही है? हाँ, रही है इस घर में। कितने साल? इसमें रही, दो ढाई साल रही, दो साल करीब।